आज के इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 2.2 2.1, एंड इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो हमने पहले ही कर लिया। ठीक है, इस वीडियो में हम जो तीनों क्वेश्चन हैं वो कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आज करेंगे टोटल कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पे कर लेंगे, क्योंकि तीन ही क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन में सब पार्ट बना रखे हैं। और देखते हैं आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, करते हैं शुरुआत बिना कोई समय व्यर्थ करते हुए। ठीक है, जो पहला नंबर का क्वेश्चन है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को बताओ। ऐसे नहीं कि आप क्वेश्चन को डिट्टो मिलाओ, क्योंकि मैं क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख देता हूं। आपको यहाँ पे दिया होगा, बुक में दिया होगा कि निम्न संख्याओं को परिमेय और अपरिमेय संख्या में बताओ, ये वो। मैं सीधा शॉर्ट में लिखता हूं, परिमेय और अपरिमेय संख्या बताओ। इसमें सब पार्ट है, यानी कि पांच क्वेश्चन है इसमें, इनमें से आपको ढूंढ के यही बताना है, सिर्फ रीजन भी दे देना है थोड़ा सा, यही बताना है सिर्फ कि इसमें परिमेय संख्या कौन सी है, परिमेय अपरिमेय संख्या कौन सी है। दैट मीन्स रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ओके, देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैंने क्या बोला था आपको पहले, कि जो आपकी पी अपॉन क्यू के रूप में होती है, जो पी अपॉन क्यू के रूप में होती है, जहां पी और क्यू है वो पूर्णांक है और क्यू का मान है वो नॉट इक्वल्स टू आपका क्या होता है, जीरो, वो संख्या क्या होती है, पी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ओके, देखो पहली जो संख्या है इसमें आपको पी अपॉन क्यू दिखाई नहीं दे रहा होगा, सीधी सी बात करें कि रूट फाइव है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या आती है। यहां से हम लिख सकते हैं ये जो संख्या है वो इरेशनल नंबर है, यानी कि ये संख्या है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं, देखो क्वेश्चन सेकंड पे आएंगे तो आपका ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, तो यहां पे देखो 3 + √23 - √23। एक बार मैं क्वेश्चन को देख लेता हूं अच्छे से कि भाई इस क्वेश्चन सही तो है या नहीं है। चलो ठीक है, हाँ क्वेश्चन सही है। यहां पे देख लीजिए, ये आपके रूट 23 हैं और ये है रूट माइनस के, ये आपके यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ 3। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 3/1। ठीक है, क्या लिख सकता हूं, 3/1। अब बात यह आई कि सर आपने इसके नीचे तो 1 लगा दिया, बेटा अगर इसके नीचे 0 होता तो ये संख्या पूरी इन्फिनेट हो जाती या फिर 0 हो जाती। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सकती है, क्योंकि यहां पे क्यू का मान है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। कह सकता हूं कि जो 1 है वो 0 के बराबर नहीं होता है बच्चा। इसका मतलब क्या है कि ये जो सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन है वो हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर है। आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है 2√11 / 7√11। तो देखो 11 कैंसिल आउट हो जाएगा 11 से और यहां पे आ जाएगा 2/7। ये भी है आपकी पी अपॉन क्यू के रूप में, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। चलते हैं आगे फोर्थ क्वेश्चन पे। थर्ड तीन क्वेश्चन देख लिए हैं। 1/√3, मैंने क्या बोला था, संख्या तो आपकी पी अपॉन क्यू के रूप में है, लेकिन यहाँ पे जो रूट वाली संख्या है बच्चा वो क्या होती है, इरेशनल नंबर होती है, यानी कि ये क्या होगी, इरेशनल नंबर। यहाँ पे पाई आ गया जिसकी वजह से ये भी क्या हो गया, इरेशनल नंबर। कोई भी किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो एक छोटा सा कमेंट कर दो, कमेंट के थ्रू मैं आपको बता पाऊंगा कि हाँ भाई इस चीज की इसमें ये कमी है, इसकी ये कमी है। कोई भी दिक्कत हो तो बेझिझक मैसेज करिए, आपका 24/7 रिप्लाई मिलेगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाओ। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, हरों का परिमेयकरण करो। ठीक है, हरों का परिमेयकरण करना है। किस प्रकार से हम हरों का परिमेयकरण करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट है, सेकंड है एंड थर्ड है। ठीक है, तीन क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन पे आ जाता हूं, सीधा क्वेश्चन से समझा दूंगा, और वैसे एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है, इतना कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, क्वेश्चन से समझा दूंगा, ये मेरा पक्का वादा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर एक देखो, यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरा 1/5 + √7। अब क्या होता है, परिमेयकरण करते हैं तो आपको पता है ये अंश है और ये क्या है, हर है। परिमेयकरण करना है तो जो हर है उसके नेगेटिव साइन का या फिर जो चिन्ह दे रखा है उसका विपरीत चिन्ह लेकर ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो ये क्या है, 5 + √7 है, तो देखो इसको क्या करेंगे, 5 - √7 से
ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 5 - 3√7 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। देन यहां पे देखिए बच्चा क्या हो गया, ये है a प्लस बी और यहां पे ये है a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देन इस फॉर्मूले से आगे बढ़ेंगे और यहां से ऊपर तो इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 - 3√7, ठीक है। और बट्टे में देखिए ये हो जाएगा, यानी कि ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर कितना हो गया बच्चा 25 हो गया, ठीक है। यहां पे देखो b का स्क्वायर यानी कि 3√7 का होल स्क्वायर, 3√7 देखो 3 and √7, तो देखो इसका होल स्क्वायर करेंगे 3 का तो हो गया 9 और रूट 7 का हो जाएगा 7 और मल्टीप्लाई बाई 9, 9 × 7 कितना हो गया 63, 9 × 7 = 63 हो जाता है ना, तो ये माइनस 63, ओके। अब देखते हैं यहां से जो ऊपर वाली संख्या है वो तो मेरी एज इट इज आ जाएगी 3√7 और बट्टे में देखो 25 - 63, तो इसमें से घटा के देख लो, देखो 25 तो पूरे पूरे बच गए, 25 × 2 = 50, 25 तो पूरे पूरे बच गए और 13 एक बच गए, यानी 25 और 10 आपके हो जाएंगे कितने 35 और 3 और बच गए ऊपर तो कितने हो गए 38, तो यहाँ पे बच्चा कितने आ जाएंगे नीचे 38 आ जाएंगे, वो भी किसके आ जाएंगे माइनस के आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होगा, आप इसको यहीं पे छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या फिर इस माइनस को यहां अंदर गुणा कर दो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका मतलब यहां तक भी आपका क्वेश्चन सही है। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपका है 1/√2 + √3, तो इसका भी परिमेयकरण करना है, तो विपरीत चिन्ह लिया बीच में और गुणा किया ऊपर नीचे √2 - √3, ऊपर ये इससे गुणा हो गया तो √2 - √3, ठीक है, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वायर यानी 2 √2 का स्क्वायर 2 हो गया माइनस b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर हो गया 3, ठीक है। यहां पे माइनस का एक बच जाएगा, माइनस का एक है इससे गुणा हो जाएगा, तो लिखो −√2 - √3, बोलो कोई दिक्कत हो तो, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए 1/√7 - 2, इतना ही है सिर्फ 1/√7 - 2, तो देखो 1/√7 - 2, तो क्या करेंगे गुणा कर दो ऊपर नीचे, यहां पे लिया मैंने प्लस का साइन एंड मल्टीप्लाई कर दिया ये ले लिया, ठीक है। अब ये इससे गुणा हो जाएगा तो √7 + 2 एंड देन नीचे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 एंड −2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, यहां पे देखो कितना बच जाएगा, यहां पे कितना बच गया 7 में से 4 जाएगा तो 3 बच जाएगा ना, तो ये 3 यहां पे आ जाएगा, यानी कि 1/3 × √7 + 2, ये आपकी क्या आ जाएंगे आंसर आ जाएंगे, बताओ कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो एक छोटा सा कमेंट कर देना, ये 3 ही क्वेश्चन है इन दोनों में, ठीक है, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर वैसे भी कोई दिक्कत आती है बच्चा घबराने की कोई बात नहीं है, शर्माने की कोई बात नहीं है, छोटा सा कमेंट कर देना, आपके लिए हाजिर हूं, ओके। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें, यदि 3 + 2√2 / 3 - √2 = a + b√2 है, ठीक है, यहां से जहां a और b परिमेय संख्या है, डेफिनेटली है a और b परिमेय संख्या यानी कि p/q के रूप में आएंगी, और यहां से a और b का मान ज्ञात करना है, यानी कि एक ये तो निश्चित हो गया कि जो जो a और b हैं उनका मान है p/q के रूप में आएगा, ये तो बात समझ में आ गई, यानी अनसोल्व हर के रूप में आएगा। देखो क्वेश्चन में है कुछ नहीं और है भी है कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन आपको लग रहा है और मेरे साथ रहोगे तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। 3 + 2√3 / 3 - ये है और बराबर में दे रखा है a + b√2, क्या करना है इसका, क्या करना है हमें परिमेयकरण कर दो इस वाले साइड का, तो 3 + √2 और बट्टे में कितना आ जाएगा 3 + √2, तो देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे पहले ये इससे होगा, फिर ये इससे होगा, उसके बाद ये इससे और ये इससे, तो 3 को 3 से गुणा किया 9
और तीन को इससे गुणा करेंगे प्लस तीन रूट दो, ठीक है। फिर ये इससे गुणा हो जाएगा तो तीन दूनी छह रूट तीन, ठीक है। यहां पे रूट तीन ही है ना, सॉरी रूट दो ही है, तो ये हो जाएगा छह रूट दो, ठीक है। और आगे ये इससे गुणा होगा तो रूट दो से गुणा हो गया दो, और दो दूनी चार, प्लस में कितने हो गए चार। पूरे बट्टे में देखो यहां से ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी तीन का स्क्वायर नौ और रूट दो का स्क्वायर कितना हो गया दो। और यहां पे देख लो ए प्लस बी रूट टू, ठीक है। यहां पे देखो नौ और चार कितने हो गए आपके तेरह, तीन रूट दो और छह रूट दो, यानी कि कितने हो गए तीन और छह कितने हो गए नौ रूट दो, प्लस में हो गए नौ रूट दो। और बट्टे में नौ में से दो घटाएंगे कितने आ जाएंगे सात, और बराबर में कितना आ जाएगा ए प्लस बी रूट दो। दोनों में अलग अलग भाग देते हो, तेरह बट्टे सात प्लस नौ बट्टे सात और ये रूट दो, और बराबर में ए प्लस बी रूट दो। अब देखो यहां पे भी क्या है, ये ए है काम कर रहा है, ये बी, और यहां पे भी रूट दो और यहां पे भी रूट दो, तो दोनों का अलग अलग कंपेरिजन कर दो, तो ए की जगह बराबर ये आ जाएगा और बी रूट दो की जगह बराबर ये आ जाएगा, ठीक है। दोनों का अलग अलग कंपेरिजन कर दो, तुलना कर दो, ए बराबर तो आ जाएगा आपका तेरह बट्टा सात, और बी रूट टू, बी रूट टू बराबर कितना आ जाएगा नौ बट्टे सात एंड रूट दो। हमें तो बी की वैल्यू चाहिए ना कि बी रूट टू की, तो यहां से रूट टू रूट से कैंसिल हो जाएगा, या फिर ये कहूं गुणा में है, इधर जाके भाग में आ जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां से जो बी की वैल्यू है वो कितनी आ गई नौ बट्टे सात, ए की वैल्यू आ रही है मेरी तेरह बट्टे सात, और बी की वैल्यू आ रही है मेरी कितनी नौ बट्टे सात। और क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट होता है, एग्जैक्ट इसके आंसर आपके सामने है। और क्वेश्चन कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, आपको टफ लगा, कैसा लगा, छोटा सा रिव्यू बताना, यानी कि वीडियो के बारे में एक छोटा सा कमेंट करना, आपकी वीडियो का स्वागत करता हूं। विदा लेना चाहूंगा क्योंकि वीडियो वैसे भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, एक नए चैप्टर के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए राम राम सर।